All are fine. I hope all are fine. Now start our study. Kaksha 2, Chapter 1, Oont Chana. Kaksha 2 ka pehla chapter hai Kavita 1, Oont Chana. Aaj hum padhenge. Jaise humne first standard mein Hathi ki poem padhi thi na. हाथी के बारे में पढ़े थे ना, वैसे ही सेकंड स्टैंडर्ड में ऊंट के बारे में पढ़ना है हमें। यहाँ पे ऊंट का चित्र लगा है, देखो ऊंट कैसा होता है। ऊंट एक एनिमल है, वो तो पता है ना, ऊंट को कैमल बोलते हैं। तो आज हम इस पोयम में ऊंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऊंट कैसा होता है, कैसे चलता है, ऊंट क्या करता है, वो सब हम ये पोयम में पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पोयम। ऊंट चला भाई, ऊंट चला मतलब ऊंट चलता जा रहा है भाई। हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट कैसे चलता है, हिलता डुलता चलता है। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा मतलब बहुत ऊंचा होता है ऊंट। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ये ऊंट जो है वो बहुत ऊंचा है और वो हिलता डुलता चलता है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंट की गर्दन ऊंची होती है और ऊंट की पीठ भी, ये है ये पीठ है, ये ऊंची पीठ है और गर्दन भी ऊंची होती है। पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट की गर्दन भी ऊंची होती है और ऊंट की पीठ भी ऊंची होती है। पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बालू, बालू का मतलब क्या होता है, yes, बालू मतलब रेत, बालू मतलब रेत। रेगिस्तान में जब हवा आती है ना, तो उससे रेत इकट्ठी होती है और रेत के टीले हो जाते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं बालू। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होता तो वो क्या बोलेंगे, बालू मतलब लड़के का नाम। नहीं, बालू मतलब कोई लड़के का नाम नहीं है, बालू मतलब रेत। रेगिस्तान में जो रेत के ढेर होते हैं ना टीले, उसको बोलते हैं बालू, बालू मतलब रेत। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। भले रेत के ढेर हो जाए पर आप जो बोझ होता है, बोझ मतलब वजन, वजन ऊंट के ऊपर डाल दो, वो चले जाएगा। ऊंट तो रेगिस्तान में चलता ही है, आपको पता है ना, ऊंट रेगिस्तान का वाहन है, उसके ऊपर चाहे कितना भी बोझ डाले, वजन डाले, वो चलता ही जाता है। नहीं फंसेगा बालू में, वो रेत में नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊंट चला, वो रेत में भी चलता ही जाएगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब चलता चलता जाता है तो वो थक जाता है, थक जाता है तो वो बैठ जाता है। तो जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। ऊंट जब थक जाता है तो क्या हमें पता होता है कि वो इस साइड बैठेगा या इस साइड बैठेगा, किस करवट बैठेगा। करवट मतलब, करवट मतलब क्या होता है कि कौन सी तरफ, इस तरफ या इस तरफ, कौन सी तरफ बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन, मतलब क्या कोई बता सकता है। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट कौन सी साइड कैसे चलता है वो कोई बता सकता है, नहीं बता सकता। ओके, तो ये ऊंट है, इस कविता में हमें ऊंट के बारे में बताया है कि ऊंट रेगिस्तान में चलता है, वो हिलता डुलता चलता है, ऊंट की गर्दन ऊंची होती है, ऊंट की पीठ ऊंची होती है। ओके, और ऊंट बोझ उठा के चलता है। आपको ये पोयम पढ़नी है, रीड करनी है, लर्न करनी है और ऊंट का पिक्चर बनाना है। और ये पोयम आपको हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। अब आप बोलोगे मैडम हमारे पास तो हिंदी की नोटबुक नहीं है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड की हिंदी की नोटबुक है ना, उसमें आप पाठ करके कक्षा 2 विषय हिंदी कविता 1 ऊंट चला लिख सकते हो। ओके, तो आपको ये पोयम लिखनी है, फिर ऊंट का पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, समझ में आया। ऊंट के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं आपको, ऊंट का पिक्चर बनाना है और ये पूरी पोयम आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर में लिखनी है। ओके, अब हम एक बार पोयम साथ में गाएंगे। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना
भाई बोलते चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। भालू है तो होने दो, बोझ ऊंट पे ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन।